हाय फ्रेंड्स, अब अंदाज़ा लगाइए कि आप अपने करंट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जो कि कर ही रहे होंगे। आपका इंटेंशन होगा कि अपने अपने परिवार वालों को एक बेटर लाइफ देना, जहाँ पे एक अच्छा खासा इनकम सोर्स है, जिससे अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकें और अपने अपने परिवार की या अपने जिनको भी आप चाहते हैं उनकी सारी ज़रूरतें पूरी ज़रूरतें इच्छा पूरी करने की, लाइक पावर्स रिसोर्सेस वगैरह आप चाहते हैं। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप एक लंबी मेहनत के बाद वो सब चीज़ें अचीव कर लेते हैं, लेकिन बस कुछ दिनों के मोमेंट्स में ऐसा हो जाता है कि आपसे आपकी गाड़ी छीन जाती है, घर छीन जाता है, पैसा छीन जाता है और आप जस्ट लिटरली फ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया। अब ऐसी ये सिचुएशन एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन है, ऑकवर्ड सिचुएशन है। मुझे लगा इस सिचुएशन पे अपन को बात करनी चाहिए। सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एंटरप्रेन्योर्स रिंग ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में। यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कुछ बिजनेस के टैक्टिक्स, बिजनेस के स्ट्रेटजीज और यही सब। जैसा कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में जान लिया होगा कि अपन क्या बात करने वाले हैं, तो दो टाइप के अमीर लोग होते हैं। अब अमीर लोग यानी ऑफकोर्स वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ऑफकोर्स उनके पास एक बेटर लाइफस्टाइल होती है, लेकिन कुछ ऐसे अमीर लोगों को भी देखा गया है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल क्राइसिस के वक्त बहुत ही ज़्यादा द बुरी तरीके से जिनके हाल हो जाते हैं, फिर वो गरीब हो जाते हैं और फिर वो उठ ही नहीं पाते। ऐसी कंडीशंस आपके साथ ना आए इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपसे एक ऐसे अमीर आदमी का माइंडसेट डिस्कस करूंगा जो अभी तो अमीर है लेकिन वो आने वाले समय में जैसे ही क्राइसिस या रिवॉल्यूशन वगैरह आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। ताकि अगर आप अपना माइंडसेट चेक करना, अगर इसमें से कोई भी चीज है तो उस चीज को बदल देना। शुरू करते हैं। पहली चीज ये होती है कि हम जो मिलेनियल्स का सोचना रहता है वो होता है कि उनका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। नेटवर्क यानी इतनी कमाई जितनी वो साल भर में कमाते हैं, तो ये उनका ज्यादा होना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं उनने जो घर आज सस्ते में खरीदा है वो घर आने वाले समय में उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, ताकि आप को अगर इमरजेंसी कंडीशन आए तो आप उससे बैंक से अच्छा खासा लोन उठा सके या समय आने पे बेच भी सके। अब ये तो रहा दूसरी चीज। फिर उसके बाद में मैं आपको, जैसे अगर आप कोई हाउस खरीद लेते हैं या आप कोई और प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी तो आप उसे बेचेंगे, अगर कम रही मतलब उसको कम वैल्यू में खरीदा और उसको अभी उसकी थोड़ी देर बाद ज्यादा वैल्यू में आती है तो आप उसको बेच देते हैं। समझ लेते हैं तो ये 50 लाख की प्रॉपर्टी कुछ सालों बाद 70 लाख की हो जाती है तो आप उसको बेच देते हैं। इसका मतलब आपको मिलता है प्रॉफिट 20 लाख रुपीज का। इस टाइप की चीजें। फिर उसके बाद में अगर यही चीज शेयर मार्केट के कंसेप्ट में अप्लाई किया जाए, शेयर मार्केट के कंसेप्ट में जैसे अगर कोई आप 5 रुपए के शेयर्स खरीदते हैं और वो आने वाले समय में मतलब 10 रुपए के शेयर्स हो जाते हैं तो उसके बाद में आप उसको बेच देंगे ये सोच के कि आपको प्रॉफिट होगा 5 रुपए का। अब फिर इसके बाद में मैं हम बात करते हैं, ये सारी चीजें जो अब तक के आपने देखी ये आपको प्रॉफिट तो देंगी, लेकिन हम बात करते हैं कि हम बात अभी मेजर बात ये रहेगी कि इसमें आपका इंडस्ट्रियल क्राइसिस के वक्त पे नुकसान कैसे होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्राइसिस, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वक्त पे प्राइसेस बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं। बेसिकली आप जो दूध का पैकेट आज 50 रुपये में खरीद रहे हो सकता है वो इंडस्ट्रियल क्राइसिस के वक्त पे 1000 रुपये तक का भी बिके। अब जब वैसा होगा तब आपका पैसा बहुत तेजी से खर्च होगा, क्योंकि जो आपने शेयर में 5 रुपये बचाए, जो महंगा घर आपने सोच के खरीदा था वो बेचना पड़ जा सकता है। इन शॉर्ट, जो चीज आपके पहला पैसा कंज्यूम कर रही थी वही चीज आपका ज्यादा पैसा कंज्यूम करेगी। जिस पैसे के लिए आपने ने मेहनत की है इतना ज्यादा मतलब वेट करके लगा के, थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन वगैरह लगा के, वो पैसा बहुत ही ज्यादा तेजी से खर्च हो जाएगा और इस तरह से चांसेस बन जाते हैं कि ये ऐसे से टाइप के अमीर लोग ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल क्राइसिस में होता ऐसा है कि एक को ज्यादा फायदा होगा तो दूसरे को ऑफकोर्स ज्यादा नुकसान होगा और बड़े पैमाने पर नुकसान होता है तो ऑफकोर्स ऐसी चीजें होती है। फिर उसके बाद में इनका जो मेन क्राइटेरिया होता है कि इनके जो कमाने का सोर्सेस होता है वो ये नेट वर्थ से गिनते हैं। इसका मतलब ये साल भर में कितना कमाते हैं
वो एक बार में इनकी कमाई ऐसे मेजर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब हुआ, हमारी भी तो कमाई वैसे ही मेजर होती है। तो नहीं, आप अगर आप जॉब करते हैं तो आप देखोगे आप अपनी सैलरी पर मंथ लेते हो, अगर आप डेली वेजेस पे हो तो आप देखोगे कि आप अपनी सैलरी पर डे लेते हो या कुछ पर्टिकुलर डेज पे लेते हो। लेकिन ये कुछ ऐसे जन है जिनका जिनका साल में एक बार पैसा आएगा, उस साल में एक बार पैसा आने के बाद में इनको अपना साल भर का जुगाड़ जमाना है, मतलब साल भर के 365 डेज उसी इनकम के अंदर में जुगाड़ में है। अगर इनको अपना अपना सोर्स बढ़ाना है सो इनको ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कुछ करके इनको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, अगर इनको लगता है कि इनको ज़्यादा बोनस चाहिए। और क्राइसिस के वक्त में क्योंकि इनके के मेन इनका जो मेन मोटिव होता है वो पैसा होता है, सो क्राइसिस के वक्त में जैसे ही प्राइसेस कुछ चीज़ों के ऊपर जाएंगे वैसे ही इनका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। और इस तरह से एक अमीर आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा था वो आदमी क्राइसिस के वक्त में बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये माइंडसेट डिस्कस करना चाहिए। मैं देखूंगा कि अगर मुझे कोई और माइंडसेट वाला मिलता है तो मैं आपके साथ एक और माइंडसेट भी जरूर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ गाइज यहाँ पे वीडियो होता है खत्म। थैंक यू आप लोगों ने वीडियो अब तक के देखा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ट्राई करो कि आप इस माइंडसेट के तो ना रहो, और जरूर वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है नीचे तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और बाय।